प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाहे लाख स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बेहतर होने का नरगल प्रलाप करें, लेकिन असल में ऐसे वीडियो गरीब आदमी को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की बखिया उधेड़ने के लिए काफी है। मामला चित्रकूट से है, जहां दर्शन करने को आया एक पिता अपने मृत बच्चे के शव को हाथों में लेकर हाँफते हुए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा। तो एक बार फिर आम आदमी की व्यवस्था उद्वेलित होकर कुंठित शब्दों में बदल गई और सरकार की तरफ से किए गए बेहतरी के दावे खोखले साबित हो गए। उन्नाव जिले के निवासी अमृत लाल ने बताया कि वह परिवार व अन्य लोगों के साथ तीर्थ यात्रियों की निजी बस से विंध्याचल दर्शन करने को गए थे। वहां से लौटकर सभी चित्रकूट कामतानाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में हाईवे के किनारे नित्य क्रिया करने के लिए रुके, तभी 7 वर्षीय बालक बुलेरो की चपेट में आ गया और बच्चे की मौके पर ही तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद 112 नंबर को फोन किया गया, इस पर 108 नंबर एम्बुलेंस वहां पर पहुंची। अमृतलाल के अनुसार एम्बुलेंस रामनगर सीएचसी से शव को जिला अस्पताल तक लाई और वहां शव उतार कर आगे ले जाने से मना कर दिया। इस पर वे लोग शव को निजी बस में रखकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। निजी बस से पुरानी कोतवाली के पास चौराहे पर बच्चे के शव को उतार कर पिता अमृतलाल लगभग 100 कदम की दूरी तक शव को हाथ में लेकर हाँफते हुए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो लोग देखते रहे। जिला अस्पताल और एम्बुलेंस सुविधाओं के दावे एक बार फिर खोखले साबित हो गए। वाहन नहीं मिला तो गोद में ही लेकर चलने लगा एक पिता अपने लाल के निर्जीव शरीर को लेकर, जिसे देखते हुए वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। लेकिन इस घटना पर अभी तक डिप्टी सीएम की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।